आज हम आ गए रांची, आज मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ की लोकल दारू कैसे बनाई जाती है। आंटी जी क्या लगा रहे हैं यहाँ पे? देसी दारू बोलते हैं। हंडिया लगा रहे हैं। हंडिया? हाँ। ये हंडिया होता क्या? ये चावल का बनता है। चावल का बनता है, देसी दारू बोलते हैं यहाँ पे। हंडिया बोलते हैं। अच्छा, हंडिया ही बोलते हैं। हाँ। तो देखो, तो यहाँ पे हंडिया बनाई जा रही है, थोड़ा थोड़ा करके चावल में से हंडिया निकाली जा रही है। तो एकदम स्लो प्रोसेस रहता है, थोड़ा थोड़ा हंडिया निकाला जाता है। चावल का होता है, चावल का बनता है। चावल का बनता है। आदिवासी भी बनाता है और कोई मतलब घर पीने के लिए सबको बनाता है, जो पीता है उसका। आदिवासी केवल थोड़ी पीता है और बनाता है और कोई भी। हाँ, देसी दारू बोलते हैं। हड़िया बोलते हैं। हड़िया तो देख सकते, बड़ा सा पतीला रखा हुआ है, इसके अंदर आपको चावल दिख जाएंगे। और क्या क्या डालें जी? देहाती चावल है ये। अच्छा, ये देहाती चावल है। तो ये है भाई हंडिया, झारखंड में लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। हाँ, शादी में लगता है, मरखी में लगता है। तो थोड़ी खट्टी खट्टी खुशबू आ रही है। खट्टी खट्टी लगती ही है। कितने रुपए का गिलास रहता है? 20 रुपया गिलास, 10 रुपया गिलास। ये है झारखण्ड का हंडिया, बहुत अच्छा लगता है हम लोग के लिए। तो क्या फायदे रहते हैं इसके? इसमें प्यास नहीं लगता है, हम लोग एक बचपन से पी रहे हैं। कहने का मतलब बहुत सामान है, तब तक आप ले ही रहे हैं। नुकसान तो नहीं होता? कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, आप अगर झारखंड में आते हैं तो इसको कम से कम थोड़ा सा टेस्ट करके देख। तो देख सकते हो यहाँ पे हमारा हंडिया लगाया जा रहा है। ये हंडिया का ग्लास कितने रुपए का रहता है आंटी जी? ये 20 रुपया का। 20 रुपए का जी हाँ। तो इसके साथ और क्या क्या मिलता है यहाँ पे? चटनी मिलेगा, छोला मिलेगा, चखना मिलेगा, क्या चीज खाइएगा वही मिलेगा। मेरा नाम रवि वर्मा हुआ। चावल का बनता है ये, 4-5 दिन लगता है इसको बनाने में। ये जैसे पकाया जाता है, बॉइल किया जाता है, एक रानू बोलते हैं वो रानू डालाता है। फिर 4-5 दिन इसको रखा जाता है बंद करके, पैक करके। फिर 4-5 दिन के बाद इसे पानी में डाला जाता है। फिर डाल के फिर इसे टॉप किया जाता है। ये बहुत किस्म का काम में भी आता है, सारा जैसे कि बीमारी में काम में आई है। जॉन्डिस, ये पेट के लिए ठंडा चीज है। और गर्मी में इसको आदमी लोग बहुत पसंद करते हैं। यहाँ झारखंड के लोग पसंद करते हैं। ये एक तरह से इंग्लिश में जिसे बोला जाएगा इसे राइस बियर। तो अभी हमारा देखो तो यहाँ पे चकना लगाया जा रहा है, चने रहते हैं, आलू रहते हैं, और हंडिया के साथ इसको लोग बहुत पसंद करते हैं। हाँ, पसंद करते हैं बेटा। और ये हरी चटनी किस चीज की रहती है? धनिया पत्ता, बिलायती, मिर्चा। और चने का कितना दाम रहता है? चने का 5 रुपया। 5 रुपए? 5 रुपए का चने है। और साथ में है देख सकते हो यहाँ पे हंडिया, हंडिया का प्राइस है 20 रुपए। तो फाइनली देख सकते हो हमारे यहाँ पे हंडिया लग चुका है। तो ये है हंडिया, जिसको झारखंड की राइस बियर बोला जाता है। और 3 से 4 दिन का प्रोसेस रहता है इसको बनाने का, चावल से इसको बनाया जाता है। तो चलिए चलते इसको टेस्ट कर लेते हैं, देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। तो साथ में आंटी जी ने दी चने की सब्जी और ऊपर से डाली हरी चटनी। तो चलिए चलते इसको टेस्ट करते हैं। तो देख सकते हो ग्लास एकदम खत्म हो चुका है। तो एकदम खट्टा सा टेस्ट है और थोड़ा सा नमकीन है और टेस्ट काफी अच्छा है। तो अगर आप झारखंड आ रहे हो तो इसको एक बार ट्राई कर सकते हो, टेस्ट करने के लिए ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ के ट्राइबल लोग इसको काफी पसंद करते हैं, यहाँ के झारखंड के लोग बहुत पसंद करते हैं, साथ में खाते हैं चने की सब्जी। तो हंडिया के साथ आपको मिल जाएगी 5 रुपए की कटोरी, जिसमें आपको मिल जाएंगे चने और आलू। तो इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन काफी अच्छा है। हंडिया पीने के बाद इसको आप चखना खा सकते हो, साथ में जो हरी चटनी डाली है काफी इसको अच्छा टेस्ट प्रोवाइड कर रही है। तो अगर आप भी झारखंड आ रहे हो और कुछ यहाँ का ऑथेंटिक टेस्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे आके इनके हंडिया ट्राई कर सकते हो। 10 रुपए का हंडिया ग्लास मिल जाएगा, 5 रुपए का चखना। कितने बजे लगाते हो? 12 बजे से 3 बजे तक। और एड्रेस बता दीजिए, रांची में कहाँ पे ये? चौक रांची लिखिए। तो अगर आपने भी झारखंड की लोकल राइस बियर ट्राई करनी है तो यहाँ की हंडिया जरूर ट्राई कीजिए। तो इसको मैं यहाँ पे जल्दी से फिनिश करता हूँ और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।